उिमन बिस्मर असल बच्चों में उम्मीद कर रहा हूँ बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी पूरा गैस पेपर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा सेक्शन ए जो हमारा मल्टीपल च्वाइस है हमेशा की प्रैक्टिस की तरह हम इसको बेटा इनशाला पेपर से एक दिन पहले रात साढ़े आठ बजे मुकम्मल करेंगे

कॉल्ड एज बायोलॉजिकली करेंसी ऑफ एनर्जी ए का मतलब है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एक एडेनोसाइन के साथ तीन फॉस्फोरस होते हैं हमारे पास जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी निकलती है तो आपकी बॉडी क्या करती है कि ए को यूज करती है जब कोई काम करना होता है ए कन्वर्ट होता है ए में एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में और एडिनोसाइन डाइफॉसफेट कन्वर्ट होता है ए में यानी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में और जब बाद में हम कुछ डाइट लेते हैं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोबारा बनते हैं तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल ये सब एमसीग्यूज की भी बातें खैर एमसीग्यूज अलग से डिस्कस भी होंगे फिर बेटा कुछ ईयर में बैक्टीरियल वायरल डिजीज के नाम पूछे हुए तो आप दो दो नाम याद कर लें जो जैसे टीबी है और नमोनिया है फॉर बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज में एच आई वी हैपेटाइटिस है याद करके चले जाइएगा ड्रॉ आ चार्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी को आप दो में डिवाइड करते हो ना ब्रायोफाइट ब्रायफ्र फिर ब्रायोफाइट को आप डिवाइड करते हो सर सारे नाम जो है ना चार्ट बना हुआ चैप्टर नंबर नाइन के अंदर वो जरूर याद कीजिएगा इससे सवाल एक्सपेक्टेड टू क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द न्यूट्रिशन आप कहते हो सर ऑटोट्रॉफिकोट्रॉफिक बैक्टीरियाज है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्री

याद कर लीजिएगा बेटा वट इज द डिफ्रेंस ऑफ सेलवॉल ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया प्लांट की सेलवॉल और बैक्टेरिया केलवॉल में क्या फर्क है हम कहते हैं सर जो प्लांट की सेलवॉल है वो मिलकर बनी होती है सेलुलोज से जबकि बैक्टेरिया की सेलवॉल मिलकर बनी होती है पैप्टाइड और ग्लाकोन से प्रैक्टिस डायग्राम इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा प्रैक्टिस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा राइट डाउन द आउटलाइन ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम के पांच किंगडम सिस्टम के आउटलाइन है बेटा हमारे प्लाजमोलाइसिस शियल इन वाइबेशन डिफ्यूजन करना है बेटा इनको एक्सप्लेन दिलीन इसका नाम ग्लूक एनर्जी के नाम से भी आया हुआ बेटा पेपर्स में और साइनो बैक्टेरिया के नाम से भी सीड एंड लीप नोट जरूर याद कीजिएगा चैप्टर नंबर नाइन से रोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रोजन एंड ट्वेल्व में बेटा आपको यह मिलेगा हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेजेक्स प्लेस इन प्लांट्स सर इसमें आप लिखते हैं ट्रांसफारेशन का पूरा प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ गैसे कंट्रोल बैक्टेरिया। बैक्टेरिया कैसे कंट्रोल करेंगे? हम कहते हैं सर बैक्टीरिया कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ केमिकल्स यूज करेंगे लोगों के अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे चीज़ें साफ रखना शुरू कर देंगे वाटर कम अगर होगा उसमें तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा चैप्टर सिक्स में की पॉइंट आपको लिखे हुए फिर लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा हमारे पास लाइफ साइकिल आपको भेजूंगा फैमिलीज के हवाले से उसको जरूर देखिएगा उसमें पूरी फैमिलीज की को मैंने एक्सप्लेन किया है तो उसको देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई फैमिली याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाइट रिएक्शन है, है तो हम ये नहीं लेते हैं हम दोनों याद कर लेते हैं चूंकि पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन आइसोमॉर्फिक विदोमोर्फिकल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब होता है सेम मतलब शेप तो में जब आपके पास एक से दूसरी शेप बनती है तो आप उसको नाम देते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एंड प्रोसेस ऑफ ब्लैक तो ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास लॉन्ग में और ये क्वेश्चन है शॉर्ट में इंशाल्लाह पूरी जिस तरह जोलॉजी का रिवीजन दिया था वैसे ही बॉटनी का रिवीजन भी इस चैनल पर आएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग मौजूद हैं स्क्रीन पर नंबर भी इस वक्त है अगर कोई ग्रुप का पार्ट नहीं है तो व्हाट्सअप पर भी आ जाए ताकि जो भी अनाउंसमेंट हो उसको वो पहुंचती रहे अपने दोस्तों के साथ वीडियो रूप से शेयर कर दीजिएगा अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों अल्लाह हाफिज